जो महाबलीपुरम में मेरा पहला डेस्टिनेशन है वह पांच रत्न मंदिर, आप सामने देख सकते हैं, रॉक कट स्कल्पचर हैं सारे, और इसके लिए मैंने टिकट ली है जिसके मैंने लिए हैं 50 रुपये। तो ये है पांच रत्न मंदिर महाबलीपुरम का। एवरीवन, मैं इस समय जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है फेमस महाबलीपुरम बीच, और सुबह के बज गए हैं 6। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लहरें अपने उफान में हैं, और ये दूसरी जगह है जो मैं महाबलीपुरम में एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और इसी के पास में फेमस शो टेम्पल है जिसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और जो वो मेरे सामने है जो जस्ट इस बीच के बगल पे ही है वो है फेमस शो टेम्पल, जो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में से एक है। अभी थोड़ी देर बाद हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। टेम्पल की लोकेशन में पहुंच गया हूं। यहां अंदर टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में अंदर एंट्री करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और 6 से 5:30 की टाइमिंग है। अभी गेट है बंद, और वो सामने आपको शो टेम्पल दिख रहा होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड है यहाँ पे रिगार्डिंग शो टेम्पल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड है रिगार्डिंग शो टेम्पल। तो मैं पहुंच चुका हूं शो टेम्पल के अंदर कॉम्प्लेक्स में। एक टिकट लिया है मैंने, इसके मैंने 40 रुपीस पे किए हैं। सामने टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, और वो मेरे सामने छोटा सा शो टेम्पल दिख रहा है यहाँ से। तो सूरज भी निकल चुका है और सामने शो टेम्पल है। सुबह सुबह जल्दी आने का फायदा ये हुआ है कि इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में इस समय सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, तो मैं आराम से फोटोग्राफी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं शो टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के अंदर हूँ, और आप सामने देख सकते हैं सूरज निकल चुका है और पूरा बे ऑफ बंगाल है सामने। और ये रहा साइड में शो टेम्पल। इसे शो टेम्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के शोर पे है। सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है, और ये सामने जो रॉक है इसे महिषासुरा रॉक बोलते हैं, जो बे ऑफ बंगाल को सीधे फेस कर रहा है। ये सामने बे ऑफ बंगाल है, और जो मेरे सामने आप देख रहे हैं महिषासुरा रॉक है एज पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो बिल्कुल बे ऑफ बंगाल को फेस कर रहा है। और जस्ट उसी के पास फेमस शो टेम्पल। ये है मेन गेट मंदिर के अंदर जाने का। और वो सामने शो टेम्पल। तो अब जो प्लेस मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं उसे कृष्णा बटर बॉल बोलते हैं। तो ये मेरे सामने कृष्णा बटर बॉल। इसे कृष्णा बटर बॉल क्यों बोलते हैं मुझे ये तो पता नहीं, बट इस रॉक की सबसे खासियत जो ये है कि बहुत सालों से इसी जगह पे इसी पोजीशन पे है, और कभी इसमें ज़्यादा मूवमेंट देखा नहीं है, तो काफ़ी फेमस है ये।
तो ये है सामने कृष्णा बटर बॉल। जिस जगह मैं जाने वाला हूँ उसका नाम है महिषा मर्दनी केव एंड लाइट हाउस। तो ये केव्स को और लाइट हाउस को जाता हुआ रास्ता। तो जो मेरे सामने आप देख रहे हैं वो है यहाँ का लाइट हाउस। और ये जो सारा एरिया है वो केव्स का एरिया है। बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके अंदर केव्स बनाई गई हैं। तो गाइस महाबलीपुरम का एक्सप्लोरेशन मेरा कंप्लीट हो गया है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है अनफिनिश्ड रॉक केव्स। और इसके बाद मुझे निकलना है पुडुचेरी के लिए वाया ईस्ट कोस्ट रोड।